हाय माय ब्यूटीफुल पीपल नमस्ते सलाम सताल आदाब आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कुछ लोग तेरह को मना रहे हैं कुछ लोग चौदह को मना रहे हैं ठीक है तो मैं दोनों दिन आप लोगों को विश कर दूंगी <laughs> ठीक है तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ट्रिपल वन टायरेट चैनल के अंदर जो लोग नए हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रेडिंग सेशन लेने के लिए आप सब लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बिकॉज़ बहुत जल्दी जो न्यू ईयर का ऑफर है वो खत्म होने वाला है ठीक है तो आप लोग उसे चेक इन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप किसी तरीके की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के uh, अंदर है तो आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और सी uh, <laughs> लवर्स का ही कार्ड आ गया वाओ विथ टेन ऑफ कप्स वाओ दिस इज टोटली कन्फर्मेशन अभी मैंने शफल नहीं किए कार तो आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और यानी कि जो आपके डिवाइन मस्कुलिन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे चल करके आपके लिए जो है क्या पॉसिबल चेंजेस ले सकते हैं आखिरकार आपके बारे में क्या सोच करके नेक्स्ट उनका मूव हो सकता है ठीक है आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है ये भी हम लोग चेक इन करेंगे और आपकी एनर्जीज ठीक है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या फिर जो भी है कैसा सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आज का है वीडियो ठीक है तो गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट्स क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फैमिलिन के लिए जिन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट न्यू है वैसे तो न्यू नहीं होगा बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में बट बार अगर नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं दैट डिवाइन मस्कुलिन होते हैं डीएम और डिवाइन फैमिलिन होती हैं हमारी डीएफ ठीक है ट्रिन फ्लेम जर्नी और हाइयर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में ऐसा होता है अच्छा एक चीज और काफी लोग ना मुझसे पूछते हैं कि मैम टीएफ टी की जितनी भी रीडिंग्स होती हैं क्या हम कार्मिक सोलमेट्स भी देख सकते हैं हाँ भाई आप लोग भी देख सकते हो क्योंकि बंदा भले ही कार्मिक स्ट्रैटेजी में हो आपके साथ लेकिन एक्चुअली में है तो आपका सोलमेट ही है ना तो आप लोगों को आई होप कार्मिक सोलमेट वाला कार्मिकप्ट भी क्लियर है अगर नहीं है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं या चेक इन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें अभी डिवाइन मस्कुल्स डिवाइन फैमिली के लिए क्या सोच रही है बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं बहुत सारी मतलब ओवरफ्लो चल रहा है थॉट्स का ही ओवरफ्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा ये कार्ड निकला था साइड में रख देते हो बहुत ज़्यादा ना थॉट्स का जो है ओवरफ्लो चले जा रहा है उनके दिमाग में उनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे मैं एनर्जीज पुल आउट करी हैं तो वो इतनी सारी हो गई तो उसके भी आप हाँ बता रही हूँ उनके दिमाग में ना एक तरीके का थाट चल रहा है कि क्या कर रही है कैसी है मतलब एक तरीके की ना उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे कि वो स्टक स्टक हो ठीक हैंग्ड मैन का कार्ड स्टक हो वो ओके okay? तो इस तरीके की उनकी जो है सिचुएशंस चल रही हैं, प्लीज इन बताएं अभी डिवाइन फैमिन के लिए डिवाइन मस्कुल क्या सोच रहे हैं वन मोर कार्ड एक कार्ड और ये वाला मैं लूंगी बिकॉज ये आना चाह रहा था बार बार चलो जी बॉटम ऑफ द नेक हरमिट है हमारे पास ठीक है होपफुल है बट सैड है इस रिलेशनशिप को लेकर के सो so, क्या क्या है हमारे पास वाओ वी हैव हाई प्रिस्टिस देन हमारे पास है यहां पे सिक्स ऑफ कप्स देन वी हैव एट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव टेन ऑफ कप्स अब काफी लोग मुझसे कहते हैं कि मैम और टेरो रीडर्स के वीडियोज तो इतने ज्यादा चमक चमक होते हैं इतने चमक चमक इसलिए होते हैं कि वो लोग बहुत सारी डेकोरेशंस करके रखते हैं आप ऐसे कोई डेकोरेशन क्यों नहीं करते हो भाई मैं इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज एस सच यू you नो know, मेरा जो टाइम शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ uh, जो है रीडिंग्स के ऊपर नहीं रह पाता है ठीक है बहुत सारे बहुत सारी चीजें मैं अपने दिन में करती हूँ लाइक सुबह कब होती है शाम कब हो जाती है मुझे लिटरली नहीं पता ठीक है और अभी भी ना आज अभी का मैं अगर आप लोगों को समय बताऊं तो तेरह तारीख सुबह के चार बज रहे हैं अभी तो सोचो यानी कि चार बजे वीडियो बनाने के लिए मैं कितनी बजे उठी हूँगी यानी कि मैं हर रोज़ तीन बजे उठ जाती हूँ ठीक है तो टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है हाँ इफ़ श्योर इन फॉर फ्यूचर मुझे समय मिलेगा सेटअप मैं उस तरीके का प्रिपेयर कर पाऊंगी तो मैं वैसे वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगी जहाँ पे आप लोगों को चमक चमक महसूस होगा और दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है कि लाइक बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लगाने से ना लाइक मुझे लगता है आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ वाइब कि मैं uh, सही हूँ या मैं गलत हूँ मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ बट मुझे अंदर पर्सनली लगता है कि हो सकता है कि जो है रीडिंग्स का जो है ध्यान भटक जाए रीडर का जो रीड कर रहा है काज का उनका ध्यान भटक जाए ठीक है जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा एक एनर्जी फ्लो मैं आप लोगों ने दिखा होगा कि मैं क्यों आप लोगों से बात करती हूँ वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को क्यों ज़्यादा समझाती हूँ क्यों करती हूँ ताकि हम दोनों हम दोनों का लाइक जो भी व्यूवर देख रहे हैं उनका और मेरा जो है एक एक वाइब्रेशनल जो है पुल बन सके एक तरीके का जो है कनेक्शन बन सके ठीक है ये मेरा मेन मकसद होता है लाइक ऐसे ही नहीं मैं बड़बड़ा कर चली जाती हूं नहीं इसके पीछे भी कोई कारण है ओके तो इस वजह से तो इन फॉर फ्यूचर इफ पॉसिबल हुआ देन मैं वो चीज भी करूंगी तो उसके लिए डोंट वरी हम चमक चमक वाले वीडियोज भी बनाएंगे मैंने ये कल ही कमेंट पढ़ा था कि मैम और रीडर्स के तो वीडियो इतने ज़्यादा चमक चमक होते हैं आप इतना सुना सुना क्यों रखती हो सब कुछ तो इसका रीज़न ये है दैट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम इन माई सेल्फ कि मैं खुद को भी कई बार समय नहीं दे पाती हूँ ओके okay? तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाकी इन फॉर फ्यूचर आई विल ट्राई माई बेस्ट ओके तो चलिए शुरू करते हैं वी हैव हाई कप्स एट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स दैट मीन्स कि बंदा बहुत ज्यादा आपके बारे में फैसिनेटेट होकर के सोच रहा है हो सकता है जो भी जो भी सिनेरियो रहा आप दोनों के बीच में सिनेरियो इन सेंस कि इस पर्सन ने आपको अपनी मदर के लिए छोड़ा ठीक है या फिर किसी भी और रीजन की वजह से चाहे फ्यूचर हो या फिर करियर हो या फिर किसी थर्ड पार्टी हो जिस भी बंदे के वजह से छोड़ा बिकॉज आई एम गेटिंग वाइब्स की बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे जो कि मदर की वजह से लीव आउट करें हैं ठीक है इस रिलेशनशिप को या फिर करियर की वजह से लीव आउट करें या जो भी जो भी सिनारियो है बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और अगर अभी भी इस पर्सन के साथ वैसे तो मुझे यहाँ पे ब्लॉकिंग वाली या फिर ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन लग रही हैं लेकिन अगर वॉकिंग अवे या फिर ऑन 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 ऑफ ऑन एंड ऑफ वाली uh, जो है आई मीन टू से लाइक सिचुएशन नहीं है तो मुझे यहाँ पे दूसरी चीज क्या लग रही है कि हो सकता है बंदे से बात तो हो रही है लेकिन कमिटमेंट के नाम पे ना बंदा गोली दे जाता है तुरंत ठीक है ऐसा भी हो सकता है तो आप लोग ना अभी इस वक्त कैसा महसूस करते हो जो डी एफ है हमारी जो वीडियोस देख रही हैं उनके लिए बोल रही हूँ आप लोग कैसा महसूस करते हो कि ये बंदा कुछ बोलेगा इन फॉर फ्यूचर क्या ये किसी तरीके का स्टेप लेगा या फिर सिर्फ मैं ही मैं इसमें कर रही जा रही हूँ इस रिलेशन के अंदर इस जर्नी के अंदर लाइक like, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप किसी अच्छी जर्नी के अंदर हैं आपको अपने आप को हील करना है आगे बढ़ाना है चीज़ों को स्टेबल करना है बट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग दोज वाइब्स इसको हाँ अंदर ही अंदर याद आती रहती है आपकी इसको बहुत ज्यादा बुरा सा लगता रहता है बट द प्रॉब्लम इज कि जब इमोशंस दिखाने की बारी आती है तो ये बंदा बैकआउट कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन अब ये सिचुएशन इसकी मदर की भी हो सकती है ये सिचुएशन इसकी करियर की भी हो सकती है और ये सिचुएशन किसी थर्ड पर्सन थर्ड वुमेन या थर्ड मैन की भी हो सकती है ठीक है एनी लव इंटरेस्ट ठीक है बिकॉज दिस कार्ड शोज ईच एंड एवरी सीनारियो ऑफ योर लाइफ हाई प्रिस्टेस बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ओके okay? तो बंदे को कहीं ना कहीं पता है कि आपके साथ ठीक है जो भी डिवाइन फैमिली देख रही आपके साथ एक तरीके का अलग ही बॉन्ड है जो कि खत्म नहीं हो सकता कभी भी बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू एक्सप्रेस कैसे क्या करना है क्या होगा आगे क्या नहीं होगा ये सब चीजों के बारे में इस बंदे को नहीं पता टोटली ब्लैंक ओके चलिए और कार्ड देख लेते हैं दिस इज छोटू डेक बहुत क्यूट सा डेक है ये और मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा और इसके प्रडिक्शंस काफी ज्यादा अच्छी होती हैं लाइक like, uh, जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनके लिए यूज करती हूँ इनको और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं बहुत प्यारे हैं ये कार्ड्स ओके तो मैं यहाँ से ये कार्ड ये दो कार्ड लूंगी बिकॉज ये दोनों आना चाह रहे थे फिर हमारे पास वही आ गया पेज ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स सी ये बंदा मैं बोल रही हूँ आपको ये बंदा ना देखो टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि ये कुछ ना कुछ गलत क्रिएट कर रहा है या तो या फिर ये कुछ ना कुछ ना गलत अपने साथ कर लेगा बिकॉज इसकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है पेज ऑफ कप्स बट एक इमिच्योर एनर्जी है एक तरीके की ऐसी इमिच्योर एनर्जी है जिसको नहीं समझ पड़ रहा कि आगे क्या करना चाहिए मुझे ठीक है लेकिन जो ट्विस्ट है आज की रीडिंग में वो ये है कि जो लोग टीएफ जर्नी में हैं और जो डिवाइन फेमनेंस अब रोती नहीं है सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रही है आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ की वो डिवाइन फेमनन्स वो डीएफ जो व्यूवर्स जो देख रहे हैं अगर आप लोग इस बंदे की वजह से रोते नहीं हो आगे बढ़ चुके हो आगे बढ़ना इनसेंस ये नहीं कि भाई मूव ऑन कर चुके हो आगे बढ़ना इन सेंस कि फगीव कर चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो ठीक है अपनी जिंदगी में खुश रहकर के हाँ इस बंदे का थॉट आता होगा तो आपको दुख जरूर होता होगा बट स्टिल यू हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस इन सम काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड कि नहीं भाई चीजें सेटल होंगी आगे मैं इसको सेटलमेंट पर लेकर जाऊंगी या लेकर जाऊंगा और अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग विद अ ब्यूटिफुल ऑफर विद अ ब्यूटिफुल गिफ्ट बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट कार्ड ऑल्सो ठीक है तो किसी तरीके के बहुत प्यारे गिफ्ट के साथ किसी तरीके के बहुत ब्यूटीफुल से ना सरप्राइज के साथ ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस एंट्री लेने वाला है क्योंकि इस बंदे का ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी इसका चल ही नहीं रहा है ठीक है चक्कर ये चल रहा है कि इसका चल ही नहीं रहा है इसकी जिंदगी है ना एकदम रुक सी गई है ओके तो डिवाइन फेमनेंस अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो फॉर श्योर दिस पर्सन इज कमिंग विद अ कमिटमेंट अब कई लोग बोलते हैं मैम आपके वीडियोस पूरे रेजोनेट करते हैं कुछ तो ऐसे ऐसे रेजोनेट करते हैं कि क्या ही बताएं बट रिजल्ट जो है आते आते रह जाता है लाइक like कभी तो बंदा नॉर्मली बात करके ही छोड़ देता है चीज़ों को या फिर कभी ऐसा होता है कि बंदा कुछ बोलता है और सिचुएशन फिर खराब हो जाती है ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर कोई पर्सन सामने से आकर के इतनी सी उंगली आपकी तरफ बढ़ा रहा है ना तो हमें ये नहीं कि उसका हाथ पकड़ लेना है नहीं वो बंदा हमेशा मन में याद रखो कि ये पर्सन बैकआउट करके गया था विद दिस ऑफ कप्स कार्ड क्यों अपनी इस सिचुएशंस की वजह से अपने सारे ड्रामेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से आप वो नहीं थे जो इस रिलेशन को छोड़ करके गए हालांकि चाहे ये आपकी जर्नी है ये है वो है ठीक है बट द बट द पॉइंट इज कि आपको ये सोचना चाहिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी लूं कि अगर ये बंदा आता है तो ये नहीं कि आपने तुरंत ही इसको पकड़ लिया हाँ भाई चलो चलो कोई बात नहीं इट्स ओके और फिर दोबारा से वही को डिपेंडेंसी खाना खाया आपने आपको तकलीफ तो नहीं हो रही आपका पेट दर्द तो नहीं हो रहा है अरे भाई ये सब नहीं करना है ठीक है क्यों नहीं करना है बिकॉज अगर पर्सन वापस आता है और आप उसको वही केयर दोगी तो क्या होगा दोबारा से वो जो अगर आपका कार्मिक सोलमेट भी है तो वो कार्मिक बॉन्ड इकट्ठा हो जाएगा अगर आपका ये ट्विन है तो वो मिरर करेगा आपस में तो अब लोग बोलते हैं है, मैम तो उसको उसको भी भी मिरर करना चाहिए ना, उसको मुझे भी पैम्पर करना चाहिए चाहिए ना मुझे पैम्पर बट ऐसा नहीं होता ना जितना आप उसको आकर के दोगे ना अपने लव की उतना ही बंदा ना आपको जहर दे देगा मैं सही बता रही हूं ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट एन ईजी जर्नी एट ऑल ठीक है तो वो बंदा फिर क्या करेगा उसको ना ऐसे कर करके और भागने की कोशिश पड़ी रहेगी ठीक है आप जितना उसको चेस करोगे वो उतना भागेगा ये है इस जर्नी का पूरा का पूरा मेन सर्कल मेन साइकिल तो अब इससे क्या है ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है आपको अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी है लाइक आप जब ये बंदा नहीं था तब जी रहे थे आपको तब भी वही जिंदगी जीनी है एकदम नॉर्मल एकदम काम एकदम स्मूदिंग कि नहीं मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है बंदा अभी जस्ट आया है उसने जस्ट एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स मी पूरी तरीके से नहीं आया है जब तक वो पूरा इस तरीके से हाथ ना पकड़ा देना तब तक आपको इस तरीके से हाथ उसको देना नहीं है और जब बंदा इस तरीके से हाथ में पकड़ा रहा है ना तब भी आपको पूरा नहीं थाम लेना है आपको थोड़ा सा इंतजार करना है आपको ये देखना है कि क्या मैं इतनी हील हो गई हूं कि क्या मैं इस बंदे के बिना रह सकती हूँ समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ सो जस्ट लुक एट योर सेल्फ ट्विन फ्लेम जर्नी किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के क्लियर अप कभी नहीं होती है इतने लोग आपको बताऊं मैं एक रियलिटी बताऊं इतने लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और या तो वो लोग बीच में गिव अप कर देते हैं या फिर उनके ट्विन की किसी ना किसी से शादी हो जाती है जो कि उसका कार्मिक होता है ठीक है और ऐसा क्यों होता है बिकॉज हम अपने ही ट्रॉमास के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं हम उसी के सपने देखते रहते हैं हम उसी के ख्याल सोचते रहते हैं हम अपने ना करियर के ऊपर फोकस करते हैं ना हम अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है अगर बंदा आकर के कोई इनिशिएटिव लेता है तो आपको पूरा समर्पित नहीं होना है ठीक है चलिए इन कार्ड से भी देख लेते हैं और क्या सोच रहा है बंदा ओके चिवलरी अपने करियर पे फोकस कर रहा है चीजों को देख रहे हो यहां पे भी ये बंदा ना रोजेज लेकर आ रहा है और मैंने आपको बोला ही था ये पर्सन कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगा आपके पास देन वी हैव वर्दीनेस इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपकी इस पर्सन की जिंदगी में क्या जो है जगह है क्रिएटिविटी ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाहता है फॉर सून ठीक है चलिए अब इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं तो फॉर श्योर sure, आज की जो वीडियो है उसका ये रहा निष्कर्ष कि आप अगर वैसे तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी डिवाइन फैमिलन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं इन दो कार्ड से भी ठीक है लेकिन अगर नहीं दे रही है तो डियर देना शुरू कर दीजिए ठीक है, है और रही बात ये कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी मूव लेने वाला है और ये मूव लेगा कि ये बंदा आएगा आपके पास किसी तरीके का गिफ्ट या रोजेज लेकर के वैसे भी वैलेंटाइन बहुत करीब है ठीक है इस बंदे के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं चलिए सो okay, so हमारे पास है तुम्हारा दिल मंदिर है पाक साफ और नेक ठीक है वन आई लव यू मोर एंड मोर यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं ठीक है थीके? फिर हमारे पास आई लव टू सी यू लव यू अलॉट ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको देखना चाहते हैं मैंने बोला ना ये बंदा कुछ ना कुछ मूव लेगा प्यार हो तो माई लव यू सी कितने सारे तीन कार्ड आए हैं तीन कार्ड लव यू लव यू वाले वन योर लिप्स ठीक है भाई ओके okay, कर लेना सीक्रेट इज आई डोंट वॉन्ट टू ओवरकम सीक्रेट इनका ये है कि वो आपसे निकलना ही नहीं चाहते हैं क्यों क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं फिर हमारे पास आई लव वेन यू वर्क इन किचन आप ये ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है आपको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक वॉक हो ठीक है तो इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कमिंग टुगेदर सोन मैंने बोला था ना कमिंग टूगेदर सोन तो ये बंदा कोई ना कोई स्टेप लेगा तो आपको ना जा करके उसको एकदम से थाम नहीं लेना आपको थोड़ा सा इंतजार करना है ठीक है सो so ये काज आपके लिए ब्यूटिफुल सा आया फिर हमारे पास है यहाँ पे पतली कमर हो सकता है आपकी पतली कमर हो या फिर इस बंदे की या बंदी की ठीक है आई कान I can't decide what part of your body is more delicious. That means person have some uh, sexual fantasies also. I love your cheeks. They are full of joy. फिर है हमारे पास यहाँ पे nature love. तो हो सकता है आपको या फिर इस person को nature का बहुत ज़्यादा लव uh, हो मतलब पसंद हो आप लोगों को प्रकृति आई मिस दोज डेज ये बंदा वो सारे दिन याद कर रहा है जब आप दोनों साथ हुआ करते थे देन वी हैव गुड मेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर अब बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है क्योंकि पे हमारे पास इमेच्योर कार्ड भी आया था ठीक है देन वी हैव सी सो दिस विल हिज और हर नेम इनिशियल अब कुछ अच्छा नहीं लगता चंचल चिराग ठीक है कुछ भी ये रात ये रात मेरा मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा आई <laughs> गेस ये मैंने लिखा है ये रात नहीं कटती ठीक है ओके okay, फिर है हाँ, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आई हैव क्रेविंग्स फॉर यू या डेफिनेटली प्यास हो तुम कब बुझेगी ब्यूटीफुल बहुत रोना आता है बहुत रोना आता है इनको एफ ठीक है जगह के नाम का इनिशियल भी हो सकता है स्पिरिचुअल बंदा थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअली मिच्योर होना शुरू हो गया है फिर है हमारे पास आई लव टू मेक लव विद यू इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना एक खुमार सा चढ़ा हुआ है फिर है हमारे पास वो जिंदगी क्या है जिसमें तुम नहीं क्योंकि बंदे को अक्ल ठिकाने आई है कि एक्चुअल में ना ये नहीं है तो कोई नहीं है आई लव विन यू स्माइल फिर है हमारे पास यहाँ पे आई लव योर बॉडी पार्टी फिर है हमारे पास आई घना क्रेजी मैंने बोला ना इस बंदे को एक खुमार से चढ़ा हुआ है क्या कर दू मैं लव यू लव यू देन वी हैव थ्री तो थ्री उनका मूलांक हो सकता है या फिर आप लोगों को स्पिरिचुअल नंबर थ्री थ्री बहुत ज्यादा दिख रहा हो वेरी वेरी सून ठीक है बहुत बहुत जल्द फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम्स काड़े गया ट्विन फ्लेम्स सो ट्विन फ्लेम हो सकता है ये बंदा आपका या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन ठीक है फिर है जानू मानू ओके वन मोर आई एम स्टक मैंने बोला था ये बंदा स्टक है कहीं ना कहीं ठीक है I love you. फिर है हमारे पास वनमो कार्ड वी हैव सेवन 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 सो मैनिफेस्टिंग नंबर होता है ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है मुझे तुम याद आते हो बहुत ज्यादा आते हो और एक और कार्ड है हमारे पास पूर्णिमा येलो तो हो सकता है आने वाली इस पूर्णिमा को कुछ अच्छा हो आपकी जिंदगी में ठीक है क्यू एंड द लास्ट कार्ड वी हैव चीजें सही नहीं है ठीक है तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स उनके दिमाग में चल रही है गाइस आपको लेकर के तो बंदा काफी ज्यादा स्टक है और आना चाहता है आपकी जिंदगी में वापस ठीक है चलिए कुछ एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं फ्रॉम मोनोलॉजी डे वी हैव शो द वर्ल्ड रियल यू ओके और एक कार्ड और तो लोगों को बता दो कि आप एक्चुअल में हो क्या आप कोई एकदम ऐसे बुझे बुझे से रहने वाले नहीं हो लक इज ऑन योर साइड एंड वन मोर कार्ड वन मोर कार्ड ये भी आया था जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल ओके तो ये कुछ कार्ड्स आपके लिए आए हैव फेथ गाइस ये बंदा कोई ना कोई स्टेप आप लोगों के लिए जरूर लेगा और फॉर श्योर जल्दी लेगा हो सकता है पूर्णिमा के समय ये पर्सन स्टेप ले ठीक है तो अपना अपना ध्यान रखें और जितने भी डी देख रही हैं इस वीडियो को उन सबसे मेरी यही विनती है कि अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो बंदा आपके ऊपर खिंचा चला आएगा ठीक है लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो आई होप आप सब लोग अच्छे से रहें आप सभी लोगों को मकर संक्रांति लॉरी की बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा जो है बधाइयाँ अच्छे से जिए अपनी अपनी जिंदगी में रंग भरें अच्छे अच्छे से पॉजिटिव वाले और किसी अच्छे पर्सन की या फिर किसी जरूरतमंद इंसान की आज मदद करना ना भूलें ठीक है लव यू बहुत सारा किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं बहुत सारा प्यार बाय